So driving the Baleno, normal Baleno. Ambient lights, ठीक है, बहुत cool दिख रहे हैं. So hey yo, what is up, Lalibel? Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog of Shom's Lifestyle. तो पिछला वीडियो आप लोगों ने Honda City का देखा होगा. नेक्स्ट वीडियो आ रहा है Baleno का, जो अभी हम लोग शूट करेंगे. तो Baleno इज डिसेंटली मॉडिफाइड, बट जो काम हुआ है बहुत अच्छे से हुआ है. तो एज यूजुअल Shom's Lifestyle के फैशन में सिनेमैटिक्स देख लो, फिर मिलाते हैं ओनर से, फिर चलेंगे एक ड्राइव पे. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you don't. Got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling? It touch me, are you in it? Don't see what you're seeing, but typical. We got भैया आपका नाम? Ronit. तो शुरू कीजिए कि Baleno में क्या-क्या modifications आप लोग आपने किया है? सबसे पहले हेडलाइट से स्टार्ट कर रहा है, DRL दोनों साइड, डीक्रोम पूरा, डीक्रोम आगे का पूरा और नीचे का DRL एक साइड. फॉगलाइट कंपनी से है क्या अलग से लगा है? आफ्टर मार्केट. मतलब ये कौन सा मॉडल है? ये मिडिल वाला. ये कौन सा ईयर का गाड़ी है? ये 2018 का Baleno. और इधर में सब कुछ आफ्टर मार्केट है. फॉग लाइट भी एक बार जला के दिखा दो आप. ऑटो जूम का HID लगा हुआ है, ठीक है. पहले आप फॉग लाइट का रिस्पॉन्स देख लो, नॉर्मल LED वाले अपना फॉग लाइट्स है, फिर आप HID ऑन करोगे. HID अभी देखो गर्म हो रहा है, ठीक है. इसका HID बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप देख सकते हो सामने, ठीक है. पूरा एकदम डिपर मारिए. OP. तो आप DRL के साथ लुक देख सकते हो गाड़ी का, ठीक है. बहुत अच्छा लग रहा है. और क्या मॉडिफिकेशंस है गाड़ी में? और मोड ये जो है, और साइड में डोर हैंडल सब रैप है. सब रैप है, मतलब डीक्रोम किया गया है पूरा. रूफ भी रैप. हाँ, पूरा ग्लॉस ब्लैक रैप किया गया है. ये अलॉयज जो है वो नियो व्हील्स से है. अलॉयज नियो व्हील्स का, कंपनी व्हील, कंपनी अलॉयज नहीं है, ठीक है. और टायर साइज क्या है? योकोहामा, योकोहामा अर्थवन लगा हुआ है. 185/65R 15 inches के अलॉयज है. और आप देख सकते हो टायर लाइट्स भी लगाए गए हैं, ठीक है. और टायर लाइट्स भी अभी जला के आप लोगों को दिखा देंगे. ये पूरा पेंट है, ये रैप है. ये पूरा रैप किया गया है. पीछे ये बिडिंग लगा हुआ है, डिक्रोम किया गया. ये सब डिक्रोम किया गया है. और ड्राइव इट लाइक यू स्टोल इट. और पीछे आप जेल नंबर प्लेट देख सकते हो, भैया का नाम भी लिखा हुआ है. और मफलर डिलीट है भैया. इधर में आप देख सकते हो पूरा स्ट्रेट पाइप किया गया है विद टाइटेनियम फिनिश टिप, ठीक है. और इधर में रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं, आप देख सकते हो इधर में. और पीछे की तरफ तो डिक्की में आप लोगों को मिल जाता है. इधर पे कस्टम इंक्लोजर में हैंडमेड बेस ट्यूब, ठीक है. एम्प लगा हुआ है कुछ? इंक्लूड किया. अच्छा, इनबिल्ट एम्पलीफायर वाला बेस ट्यूब लगा हुआ है. और कंपोनेंट्स
कंपोनेंट्स नॉर्मल स्टॉक स्पीकर्स, स्टॉक स्पीकर्स विद जस्ट बेस ट्यूब। ठीक है, तो अभी थोड़ा गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। तो अंदर की तरफ आप देख सकते हो, इधर में एम्बियंट लाइट्स किया गया है। इसी इधर पे कार्बन फाइबर रैप किया गया है और इधर पे अपना जो एम्बियंट लाइट लगाया गया है, ये रिमोट है इसका, इससे चेंज होता है। ठीक है, तो येलो आप देख सकते हो, इधर में ब्लू सब कुछ होता है, बहुत अच्छा एक फील देता है ये। और सब कुछ तो बेलिनो को ऑलरेडी आप लोगों को एक पिछले वाले वीडियो में मैंने दिखा दिया था। ये स्टीयरिंग रैप है, सेमी स्टीयरिंग रैप। ठीक है, इधर पे अपना जो स्टीयरिंग नॉब लगा होता है वो लगा हुआ है। ठीक है, और स्टॉक स्टीरियो है और क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनिंग आपको मिल जाता है। थोड़ा एम्बियंट लाइट भी लगाया गया है और इधर पे जो एम्बियंट लाइट है वो थोड़ा चेकआउट कर लो, इट लुक्स रियली कूल एट नाइट। ठीक है, और सीट कवर्स अलग से, ये स्टैलियन का सॉरी डॉल्फिन का सीट कवर्स लगाया हुआ है गाड़ी में अलग से। कार्बन फाइबर रैप किया हुआ है। ठीक है, मैं एक बार फ्लैश ऑफ करता हूँ तो आप लोगों को एम्बिएंट लाइट समझ में आ जाएगा। तो हियर यू कैन सी द एम्बिएंट लाइट। ठीक है, बहुत कूल दिख रहे हैं एंड दैट्स इट फॉर दिस कार। तो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव और स्टार्ट करते हैं इसको। कोई आवाज़ नहीं आएगा आपको। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है पेट्रोल गाड़ी में मफलर डिलीट में इतना कम आवाज़ आता है, ये मुझे यकीन नहीं था। देख सकते हो जस्ट लिटिल बिट राउल आ रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं आ रहा है। और 11.9 kmpl का माइलेज दे रहा है अभी गाड़ी, दैट्स अ नाइस थिंग। और कुछ बोलेंगे भैया आप इसके बारे में? और कुछ तो नहीं, लाइक बेसिकली मेरा गाड़ी में बहुत मौज किया है। लाइक पीछे जो है वो स्ट्रेट लाइन का वो ब्रेक ट्यूब है, पीछे लाइक ब्रेक दबाने से पूरा स्ट्रेट। अच्छा, ब्रेक लाइट। हाँ, वो देख सकते हो आप, लाइट जल रहा है। हाँ वो है, फिर टिंच लगा हुए है। हाँ टिंच तो है, दिखा दिया मैंने गाड़ी में, टिंच देख सकते हो आप, टिंच लगे हुए है गाड़ी में। और कुछ नहीं, और काम बाकी है। और काम वही बाकी है, मतलब अभी बनना बाकी है गाड़ी। हाँ ठीक है, तो फिर चलेंगे एक तो ड्राइव पे और फिर दिखाते हैं कि कैसा साउंड करता है और व्हाट इज़ द ड्राइव क्वालिटी ऑफ दिस कार। तो टायर लाइट्स आप देख सकते हो, टायर लाइट्स ऐसे जलते हैं रात के टाइम पे। ठीक है, बहुत कूल दिखता है। ड्राइविंग द बेलिनो, नॉर्मल बेलिनो। एसी ऑफ कर दो, एसी ऑफ कर दो, कारण जेट ब्लैक है, हमारे नहीं असुविधा है। तो आपने वीडियो देखा होगा कि मैंने आरएस चलाया था एंड आफ्टर आरएस दिस इज आई एम फर्स्ट टाइम आई एम ड्राइविंग अ नॉर्मल बेलिनो। मतलब ये 1.2 लीटर वाला है ना इंजन, 1.2 लीटर वाला, मैंने 1 लीटर टर्बो पेट्रोल चलाया था। ठीक है, सो उसका अलग मज़ा है, इसका अलग मज़ा है। एन इंजन का अलग मज़ा होता है। ठीक है, और स्टीयरिंग वेयरिंग सब अच्छा है। गाड़ी कितना चला हुआ है? गाड़ी 20 मतलब कम ही चला है गाड़ी। हाँ, मारुति स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गाड़ी बहुत कम चला है। तो मफलर डिलीट के हिसाब से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन गाड़ी ड्राइव करने में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, और ये तीसरा गाड़ी है जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ और शूट कर रहा हूँ, तो चेहरे पे टायर्डनेस दिख रहा होगा, तो डोंट माइंड दैट। और सामने शायद से खींच सकते हैं अगर ये ऑटो लोग थोड़ा साइड दे दें हमको। कटवट मारने में बहुत ज़्यादा कूल है, अच्छा है अभी। ठीक है, और चल भी अच्छा रहा है, सेकंड गियर फर्स्ट गियर स्मूथ है, गाड़ी को मेंटेन करके रखा है। बम्पर अगेन,
इसका माइलेज दिखा रहा है अभी वो है 11.9 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। पेट्रोल के हिसाब से दैट्स कूल एनाफ, क्योंकि मेरा गाड़ी तो 6-7 का एवरेज देता है, ठीक है। सो फर्स्ट गियर डाउन, अभी थोड़ा सा, अरे सामने थोड़ा बच्चा, चलो सामने स्ट्रेच है, मिलेगा शायद से। My driving experience ends over here. So if you guys enjoyed this video, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, turn the notification bells on, follow me on Instagram @invalid.username404. As always, I'm at the end of today's video. I will look forward to seeing you next video real soon. Bye bye. Really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up.